God, my भाई साहब, oh my God, it's called Ulala. की हाल चाल तो की खबर अपना लगोर। तो दोस्तों लगभग यार भूल ही गया शायद मुझे, आप लोग लगभग भूल ही गया यार, लगभग 2 मंथ हो गया लास्ट राइड था अरुणाचल का, उसके बाद वीडियो नहीं दिया यार। वीडियो देने का बहुत रीजन है, बहुत रीजन से सिर्फ 2 रीजन मतलब पूरा पार्टिकुलर था यार। एक्चुअली ना मैं अपना गैजेट को थोड़ा अपग्रेड करना चाहता था, और सेकंड थिंग है कि मेरा ना जो एरोक से मेरा राइड है ना, वो अरुणाचल राइड के बाद ना वो बहुत खराब से खराब हो गया था, तो उसको ठीक करने में बहुत टाइम लग गया। वो सब में एक्चुअली अपडेट भी नहीं दिया और थोड़ा काम में बिजी था, क्योंकि भाई इसको लेना था यार, काम नहीं करेगा तो इसको कैसे लेगा दोस्तों। तो दैट्स व्हाई ना वीडियो वीडियो नहीं है दोस्तों। तो एक्चुअली ना मैं गैजेट एक लिया जो मेरा ड्रीम भी बोल सकते हैं, और एक अलग मतलब चाहिए 2 कैमरा एक्चुअली चाहिए, क्योंकि लास्ट टाइम अनिनी ब्लॉग में आप लोगों को पता होगा मेरा कैमरा हो गया था स्टक, बंद हो गया था, लेकिन मेरे पास दूसरा कैमरा नहीं था। लेकिन मैं जो दोस्त के बुढ़ुआ के साथ गया था, तो उसके बाद गैजेट था, तो उस गैजेट से मैं वीडियो बना लिया था। बट हर टाइम तो जिसका अवेलेबल गैजेट रहेगा उसके साथ तो नहीं जाएगा ना, कभी अकेला भी जाना पड़ेगा, कभी दूसरे के साथ भी जाना पड़ेगा, और गैजेट का बहुत इश्यू होता है यार, और वो भी रीजन है। और एक अपडेट करना चाहता था, क्योंकि 360 आप लोग को कुछ बेहतर दिखाना था यार। तो ना इसमें है अमेजोन का, आप लोग देख सकते हो ये अमेजोन का है ना, तो इसमें नाम क्या क्या लिया मैं दिखाता हूँ यार आप लोग। तो दोस्तों एक्चुअली जब लास्ट अनिनी राइड आप लोगों को पता है, तब जो बोरुआ का इंस्टा यूज किया था ना, उसका यूज करके मतलब अच्छा लगा यार, बहुत ही अच्छा लगा, क्योंकि मतलब उसका जो शॉट होता है ना, जो मतलब आपको मतलब एक अलग ही मतलब दुनिया में ले जाता है, वो देख के ना मुझे बहुत अच्छा लगा। और इसलिए भी हम सोचा कि मैं अभी इंस्टा लूं। मैं एक्चुअली सोचा था कि गोप्रो का एक फ्यूज बोल के कुछ एक था यार, मैं सोचा वो लूं, लेकिन ना मैं जितना रिव्यू किया इंस्टा इज द बेस्ट था। इंस्टा का ये जो मैं अभी जो लिया ना वो बेस्ट है, और इसलिए दोस्तों इंस्टा सिलेक्ट किया। और अभी ना आप लोग को अनबॉक्सिंग दिखाते हैं। तो दोस्तों ये हम लोग का खुशियों का बॉक्स बोल सकते हैं यार, और मेरे लिए नहीं, हर एक राइडर का, हर एक ब्लॉगर का मतलब ना ऐसा एक बहुत ये मिलने के बाद बहुत खुश लगता है मतलब ना। तो अभी मैं क्या क्या इस खुशियों का बॉक्स में क्या क्या है मैं एक एक करके आप लोग को बताता हूँ दोस्तों। फर्स्ट ऑफ ऑल है ना ये आपका सैनडिस्क का 256 GB मेमोरी, और ये है आपका एक्सट्रीम दोस्तों, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लोग स्टोरेज का बहुत इश्यू होता है, लास्ट टाइम आप लोग देखे होंगे हम लोग जो गैंगटॉक गया था, दार्जिलिंग, वहाँ पे स्टोरेज का बहुत हुआ था, इसलिए सोचा थोड़ा ज्यादा ले लेते हैं। ये 256 GB आई थिंक ये सफिशिएंट होगा आज अभी के लिए। और उसके बाद दोस्तों ये है मेन थिंग जो माउंट करना है ना, और ये तो नॉर्मली मोटो ब्लॉग के लिए मैं यूज नहीं करूंगा दोस्तों, तो माउंट के लिए ये बेस्ट है। और एवरीथिंग का ना मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दूंगा दोस्तों। और नेक्स्ट है दोस्तों ये है आपका सोनी का माइक, और ये ना मैं एक वीडियो में देखा था, रिव्यू देखा था, ये गोप्रो के लिए बहुत अच्छा है। तो ये मेरा छोटा भाई पहले का दोस्त, हाँ, तो दोस्त के लिए ये ऑर्डर किया पर्टिकुलरली। ये सोनी का माइक है दोस्तों, और सोनी का माइक मतलब पहले मैं क्या माइक यूज करता था आपको, आप लोग देखिए दोस्तों, ये यूज करता था यार, तो मेरा खुद का ऊपर खराब लग गया, इसलिए मैं ये लिया, और अच्छा वॉइस क्वालिटी आप लोग को देने के लिए दोस्तों। और उसके बाद दोस्तों ये है आपका इनविजिबल स्टिक, दिस इज ओ माय गॉड, और इसमें बहुत कुछ होता है, मैं आप लोग को बोल रहा हूँ दोस्तों। और उसके बाद तो दोस्तों सबसे मतलब उसके बाद में सबसे बेस्ट ये है दिल का राजा, सबका राजा यार, Insta360 X3 दोस्तों। अभी के लिए जो मोटो ब्लॉगिंग करते हैं, और इंस्टा का तो बहुत अच्छा अच्छा वेरिएंट, लेकिन उसका कॉस्ट बहुत ज्यादा पड़ता है, लेकिन दिस इज फॉर आवर मतलब जो ब्लॉगर है इन सब के लिए बेस्ट है Insta X3 दोस्तों। मैं गोप्रो का फ्यूज लेने वाला था, बट मैं फ्यूज नहीं लिया, क्योंकि मैं 2 रिव्यू देखा ना, इसमें यही बेस्ट था दोस्तों। तो अभी ना धीरे धीरे मैं अनबॉक्सिंग करता हूँ दोस्तों। इसको अनबॉक्सिंग करते हैं। ये आपका है इनविजिबल स्टिक विद बुलेट टाइम हैंडल, तो इसका गोप्रो का ये इंस्टा का पता है ऐसा घुमा सकते हैं, तो इस टाइप का है। तो इसको पहले दोस्तों अनबॉक्सिंग करते हैं। माय गॉड, कवर पूरा जबरदस्त दिया हुआ है। ओके तो दोस्तों खोलने के बाद मुझे क्या मिला, खोलने के बाद ये मिला दोस्तों, इसमें लिखा हुआ है मल्टी फंक्शनल कैमरा हैंडल, कुछ हैंडल कुछ 2 बार दिख गया, एक बार देने से हो जाता है, 2 बार लिखा है दोस्तों। तो ये है, उसके बाद ये मिला है दोस्तों, ये कुछ इस तरह का है दोस्तों, पता नहीं है, ये तो मैं पहली बार ट्राई करने वाला हूँ, कुछ इस तरह का है दोस्तों ये। और अभी इसको ऐसे बंद करते हैं। और नेक्स्ट क्या मिला मुझे, नेक्स्ट दोस्तों मुझे ये मिला, ये कुछ क्लिप, आई डोंट नो ये किस लिए दिया, ये कुछ क्लिप दिया है। और इसके बाद ये कुछ नट दिया है और इसके अंदर ये भी एक है, कुछ है, कुछ सामान है। और इसके बाद इसका अंदर क्या है वो देखना है ना, इम्पोर्टेंट थिंग। ओ छू मंतर खुल जा भाई, ओके तो योके भाई। तो ये है आपका इनविजिबल स्टिक, आई थिंक सो। नहीं है क्या ये, क्या ये, अच्छा नहीं नहीं, इसको खोल सकते हैं, इसको खोल सकते हैं। अच्छा दिस इज अनलॉक। तो दोस्तों था ये था आपका इनविजिबल स्टिक। तो अभी नेक्स्ट अनबॉक्सिंग करते हैं। आपको देख लें ये जो आपका आई थिंक इसको बोलता है, इसको एक नाम है ना इसका, कुछ हेलीकॉप्टर कुछ ऐसा कुछ है, मतलब इसको ऐसा घुमा सकते हैं ना। तो इसको बाद में आप लोग को फुल वीडियो में मिल जाएगा दोस्तों। ये एक था। अभी नेक्स्ट है आपका, ये है आपका सैनडिस्क का, अब वो 256 GB का मेमोरी कार्ड। ये अभी ओपन नहीं करते, वो फर्स्ट ऑफ ऑल कैमरा का ओपन करते हैं। और उसके बाद दोस्तों, उसके बाद में लिया था ये सोनी का माइक, क्योंकि मोटो ब्लॉगिंग के लिए, गोप्रो के लिए ये बेस्ट है, क्योंकि उसका पिन की वजह से, उसका पिन जो है ना दोस्तों, इसकी वजह से मतलब इसका जो मतलब कैपेसिटी है और मतलब साउंड क्वालिटी गोप्रो के लिए बेस्ट आता है दोस्तों। कुछ इस तरीके का माइक है, इसमें कुछ ऐसा ये रबर का कुछ दिया हुआ है जो इसको नॉइज़ क्लियरेशन के लिए यूज़ कर सकते हैं दोस्तों। इस तरह का माइक है सोनी का। तो दोस्तों मैं आप लोगों को दाम बोलना भूल गया, ये लगभग आपका 1200 रुपीज़ है इसका दाम। और इसका अंदर क्या है वो देख लेते हैं। पहले तो असली सामान निकाल जाए, लेकिन इसका अंदर क्या है वो तो देख लेते हैं दोस्तों। हाँ, उसका अंदर ये कुछ, ये पुस्तक है, ये तो ज़िंदगी में किसी ने भी नहीं पढ़ा होगा आज तक। तो ये सब देता है, कोई उपाय नहीं है। तो अभी करते हैं इसको साइड। और ये बेस्ट है मोटो ब्लॉगिंग के लिए दोस्तों। और ये सब इसको करते हैं साइड। सोनी का ये माइक जो बहुत ही ज़बरदस्त है फॉर मोटो ब्लॉगिंग, तो इसको करते साइड दोस्तों। और अभी करते इसको, ये है आपका जो बाइक में हो, इसको माउंट करके ना आप आराम से आपका गोप्रो कैमरा इंस्टा को लगा के आराम से मज़ेदार इंस्टा गोप्रो एवरीथिंग आप यूज़ कर सकते हैं यार, कोई इंस्टा बोल के कोई सामान नहीं। और ये है मेरा अनबॉक्सिंग का चाकू, फास्ट टाइम ये काटना पड़ रहा है, इसको काट दिया। अभी इसका अंदर क्या निकलते देखते दोस्तों। तो इसके, इसको खोलने के बाद निकल रहा है ये सब कुछ। अरे भाई मैं तो उल्टा ही कर दिया, तो कोई बात नहीं। तो दोस्तों इसका अंदर मिला है कुछ इस तरह का सामान, देख सकते हैं सब आपका बाइक का हैंडल में लगाने के लिए, बहुत ज़बरदस्त। और इसका क्वालिटी भी, इसका भी मैं रिव्यू देख के लिया था, इसका भी क्वालिटी बहुत ज़बरदस्त है। ये लगभग आपका 2300 का है ये सब सामान। ये बहुत हेवी है इसका सामान सब। ये आप सब देख सकते हो मुझे अंदर में क्या क्या मिल रहा है, अभी ये सब देख सकते हैं आप लोग। और ये है आपका, ये और एक है, ये निकालते इसको, निकल गया भाई। तो और ये तो दोस्तों अभी देख सकते हैं बहुत क्वालिटी इसका, देखिए आप लोग कैमरा में देखने में पता चलता है इसका क्वालिटी बहुत अच्छा है, बहुत ही अच्छा है। देखने में लग रहा है कुछ ज़बरदस्त, मतलब पूरा हेवी है, तो बाइक में लगाने का टेंशन। और इतना दामी कैमरा आप अगर किसी का ऑर्डिनरी कुछ सामान में लगाते हो ना, गिरने का चांस रहता है, लेकिन ये इसमें नहीं गिरेगा। और इसको देख के पता चल रहा है कि ये बहुत हेवी है। तो नेक्स्ट ब्लॉग सब में ये सब मैं यूज़ करूँगा और फुल ऑन रिव्यू मैं आप लोग को दे दूँगा दोस्तों। और फाइनली दोस्तों ये वाला भी अनबॉक्सिंग करना बाकी है, इसको करते हैं। तो फाइनली दोस्तों Insta3 भाई, तो इसको अनबॉक्सिंग करते हैं यार। यही मेन सामान है जिसके लिए बहुत टाइम से वेट कर रहा था यार। अभी तुम अच्छे से खोलना यार, तुमको अभी अनबॉक्सिंग करेंगे, तुमको अनबॉक्सिंग करेंगे यार। ओ माय गॉड, दिन और पुहर गाना आ गया यार मेरा मुंह से, लेकिन कोई नहीं भाई, तुमको पहले अनबॉक्सिंग करते हैं। आप लोग एक्साइटेड है कि नहीं दोस्तों? अरे भाई आप लोग को अभी ना ये एक्चुअली आप लोग के लिए ही है, बोल सकते हैं यार, आप लोगों को कुछ अलग दिखाना है ना। तो अभी ये प्लास्टिक खोल दिया, अभी खुल जा सिम सिम। ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ ला ला, ऊ ला ला दोस्तों, ऊ ला ला। फर्स्ट ऑफ ऑल ना इसका लेंस का बहुत पकड़ने में भाई प्रीमियम लग रहा है यार, पकड़ने में ही प्रीमियम लग रहा है। पूरा भारी हेवी और लेदर फिनिश दिया है यहाँ पे, बहुत ही जबरदस्त है। और इसके बाद यहाँ पे क्या मिलता है वो देखना है दोस्तों, क्या है और क्या है, क्या है, क्या है, क्या है यार। खोलो जाओ, तुमको अच्छे से खोलना पड़ेगा। दोस्तों। और ये एक डब्बा है, इसका अंदर क्या है देखते हैं यार। मुझे तो मतलब ना क्या बोलूँ यार, मुझे तो बहुत ज़बरदस्त लग रहा है यार, क्या बोले यार। तो दोस्तों फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे मिलता है जो एक टाइप सी वाला वो चार्जिंग का वो केबल, और मिल रहा है ये, और ये मिल रहा है आपका एक जो सिलिकॉन जो होता है ना, जो खराब नहीं होने के लिए देता है। और ना एक दे रखा है छोटा मोटा वाला ये आपका केस बोलता है इसको, जो आपका कैमरा को सेफ रखने के लिए बहुत ही ज़रूरी है। और एक बात बोलता हूँ कि पाउच बोलते हैं इसको। और एक बात बोलता हूँ कि ये कैमरा का ये लेंस ना बहुत नाजुक सा चीज़ है दोस्तों। इस लेंस को ना प्रोटेक्ट करने के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे हिसाब से। और इसका ऊपर का एक कैप रहता है, वो मैंने ऑर्डर दिया लेकिन वो आने में थोड़ा टाइम लगेगा। तो ये मिल रहा है मुझे। और मिला दोस्तों ये इंस्टा 360 का स्टिकर, जो नेक्स्ट राइड से मेरा स्कूटी में देखने को मिल जाएगा यार, मेरा राइड में देखने को मिल जाएगा। और क्या मिल रहा है मुझे इधर में, और इधर में कुछ एक साफ करने के लिए, क्लीन करने के लिए एक कपड़ा है। इसको अभी हम खोलेगा नहीं क्योंकि मुझे अभी कोई इसका दरकार नहीं है। और इसका अंदर कुछ पुस्तक है, ये तो कोई आज तक कोई बाबा जी ये सब नहीं पढ़ता है और मैं भी नहीं पढ़ूंगा। तो फाइनली ना इसको अभी खोलते, ओपन करते और देखते इसका अंदर है क्या दोस्तों। तो दोस्तों ना इसको ओपन करने के लिए इसको करना पड़ेगा ये ऐसा। और ये आ गया ये आपका इंस्टा का बैटरी दोस्तों। और एक बैटरी भी लेना है और यहाँ पे मेमोरी कार्ड डालना है। उसके बाद ऑन करते हैं अपने कैमरा को दोस्तों, और अभी करते हैं इसका भी अनबॉक्सिंग। कहाँ है मेरा मेमोरी कार्ड भाई साहब, तुम कहाँ पे गया। और भाई साहब अभी इसको, अरे भाई तुम आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ इसको अभी अनबॉक्सिंग करते हैं। इसको अनबॉक्सिंग करने में कुछ नहीं है, ऐसा फाड़ दो, इसको फाड़ के ना इसको निकाल दो भाई बाहर। ये खुद ब खुद ही वो एक प्रोटेक्ट में आता है तो इसलिए बहुत अच्छा है। और अभी इसको करना है सिल पैक है ये, इसको अभी खोलना है दोस्तों। लेकिन खोलेगा किधर से, नीचे से प्लास्टिक लगा हुआ है तो प्लास्टिक को मुझे। तो दोस्तों यहाँ पे आपका SD कार्ड बनाने का जगह, तो यहाँ पे घुसा देते हैं अपना SD कार्ड। ओ माय गॉड, वाह क्या साउंड है ना, मजा लगता है। और इसको डाल देते हैं अंदर। और दोस्तों ये ऐसा रहना पड़ेगा नहीं तो वाटरप्रूफ चला जाएगा। इसको डायरेक्ट ऐसा करने से आपका दोनों करेंगे तो खुल जाएगा। तो इसको ऐसे दबाने से ये हो गया पूरा अंदर। तो अभी करते हैं इसको ऑन। अभी मुझे पता नहीं है इसमें चार्ज है कि नहीं, बट स्टिल करते हैं भगवान का नाम लेके, जय विश्वकर्मा बाबा की। तो ऑन कर रहे हैं दोस्तों। वही रो हम का दूसरा जगह में टिपा रहा है ऑन। तो छू मंत्र जय विश्वकर्मा बाबा की हो। ऑन हुआ, ऑन हुआ। ओह माय गॉड, ओह माय गॉड। मैं देखा ही नहीं पहले, आप लोग को ये स्क्रीन दिखा रहा हूँ दोस्तों। वो मैं पीछे पे भी लाइट जल रहा है एक, और मुझे भी देखना है यार। तो इसको अभी देखते हैं, तो इसका अनबॉक्सिंग करते हैं। तो अभी दोस्तों लैंग्वेज आ रहा है, लैंग्वेज करते हैं इंग्लिश सिलेक्ट। और ये क्या आया, प्लीज़ डाउनलोड द इंस्टा ऐप ऐप स्टोर और गूगल प्ले, एक्टिव योर कैमरा। ओके मुझे अभी डाउनलोड करना है दोस्तों। अभी के लिए इसको कैंसिल करते हैं, ऐप बाद में डाउनलोड करते हैं। और भाई चार्ज बहुत कम है कैमरे का, लेकिन ना आपका मैं एक बात बोल सकता हूँ कि इसका जो मैं अभी उसका प्लास्टिक नहीं वो साइड किया, लेकिन इसका ना जो टच रेस्पॉन्स है ना वो भाई बहुत औसम है। यहाँ पे एक दिखाई दे रहा है 360 लेंस और एक दिखाई दे रहा है सिंगल लेंस। तो सिंगल में जाएंगे तो नॉर्मल मोटो ब्लॉग एवरीथिंग। ये देखिए ये वाला फीचर मी मूड में दोस्तों, ये सब मैं बाद में बोलूँगा। मी मूड और सिर्फ आपको फोकस करेगा कैमरा और किसी को फोकस नहीं करेगा। और ये लूप रिकॉर्डिंग है और फोटोज बहुत वगैरह वगैरह चीज़ दोस्तों यहाँ पे है सिंगल में। और आपका इंस्टा में जाएंगे तो इंस्टा आप लोग देखते हैं वीडियो है, और उसके बाद HDR, उसके बाद टाइम लैप्स, उसके बाद टाइम शिफ्ट, उसके बाद बुलेट टाइम। या दिस इज द परफेक्ट शॉट फॉर, मुझे बहुत अच्छा लगा ये कॉन्सेप्ट इंस्टा का, जो आपको बाद में आपको पता चल जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों ना बहुत औसम वाला सीन मुझे अभी लग रहा है यार ना। तो आप लोगों को फुल वीडियो में बहुत ज्यादा मजा आएगा। और लिटरली इतना ही, मतलब अभी तक के लिए दोस्तों इतना ही था। और बाद में आप लोग को और मिल जाएगा इसका बारे में। अगर दोस्तों वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो दोस्तों लाइक करके जाना। और मुझे पता नहीं यार, तोड़ो फोड़ो जो भी करो सब्सक्राइब हो जाना चाहिए यार। और ये सिर्फ आप लोगों के लिए यार दोस्तों, आप लोग जैसे कुछ एक्स्ट्रा आप लोग देख सके ना, दैट्स द रीजन ये लेने का मेरा क्या है भाई। मैं तो भाई इसमें संत आदमी हूँ यार। तो दोस्तों ये तो छोड़िए, मतलब एक्चुअली लिया पर्पस आप लोग है दोस्तों, और आप लोग को अभी बहुत अच्छा अच्छा चीज मिल जाएगा। और मुझे एक चीज ना इसको पकड़ के मतलब बिल्ड क्वालिटी ना भाई औसम है, और छोटा मोटा फोन जैसे लगता है, इसका टच इंप्रेशन औसम है, एवरीथिंग औसम। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, कीप वॉचिंग।